हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआईटी यूट्यूब चैनल। डीबी सेकंड ईयर मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी आज से, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। देखो मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है, मार्केटिंग मिक्स में फोर पीज ऑफ मार्केटिंग आते हैं। क्या आते हैं? फोर पीज, पीज ऑफ मार्केटिंग। पीज मीन्स पी, फोर पी। फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्राइस, ठीक है। चलिए फर्स्ट पी को हम रखते हैं। इसमें फोर पीज में आपका प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और एक आता है आपका प्लेस, ठीक है। तो प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन और प्लेस की तो बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो याद कैसे रखना है, फर्स्ट पी में प्रोडक्ट, फर्स्ट पी में प्रोडक्ट आपका, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पी इज प्राइस। उस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी मार्केटिंग कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पी इज प्रमोशन। प्रमोशन में आपकी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट को, जो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं लोग, उन लोगों को इंसेंटिव देना, बोनस देना, ठीक है, कमीशन देना, इतने परसेंट सेल है तो आपको इतनी कमीशन मिलेगी, इस तरह की चीजें आपकी डिफाइन करना, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस में आपको क्या आ जाएगा? प्लेस में आपका जो आप टारगेट मार्केट फिक्स करते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ बेचेंगे अपने प्रोडक्ट, है ना। तो देखिए पढ़िए जरा, फोकस ऑफ मार्केटिंग। द मार्केटिंग बेस्ड रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्शन और टैक्टिक्स दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। द फोर पीस मेक अप अ टिपिकल मार्केटिंग मिक्स। फोर पीस मिलकर एक मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं आपका। द प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस, ठीक है। वैसे आपके टोटल अगर मैं बात करूं तो ये सेवन पीस होते हैं, ठीक है। तो बचे हुए फोर्थ पी होते हैं आपके किसके लिए होते हैं? गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। जो बचे हुए थ्री पीस होते हैं वो आपका सर्विसेज को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? सर्विसेज को, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो आपको फोर पीस बढ़े हैं, ओके स्टूडेंट्स। However, nowadays the marketing mix increasingly includes several other P's like, देखिए और P's कौन कौन से हैं? Packaging, positioning, people and even politics as vital mix element, ठीक है। तो ये आपके तीन P's और बताए गए इसमें, तो टोटल मिलकर आपके कितने P's हो जाते हैं? सेवन P's हो जाते हैं। तो देखिए अजी, आइए फोर पीस को हम स्टडी करते हैं। ये ग्राफ बनाया है मार्केटिंग, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। द वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फर्स्ट पी को हम लोग देखते समय क्या क्या देखेंगे? आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विसेज, ठीक है, और उसकी वारंटीज, ठीक। और नेक्स्ट अगर मैं पी की बात करूं दैट इज प्राइस। तो प्राइस में आप लोग क्या क्या देखेंगे? प्राइस में आप लोग प्राइस स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग, कितने अलाउंसेज या डिस्काउंट्स आप लोग कस्टमर को अवेलेबल कराएंगे और क्या क्या आपकी पेमेंट टर्म्स है, ठीक है। कि ऐसा भी तो होता है कि लोग आपसे क्रेडिट पे भी परचेज करके ले जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप लोगों को क्या करनी पड़ती है? एक पेमेंट टर्म फिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया कि आप इतने टाइम में अगर पेमेंट कर देंगे तो आप एक्स्ट्रा 5% कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये तो बंदा क्या सोचेगा कि भाई इतने पैसे कम हो जाएंगे, इससे पहले पेमेंट करा देंगे, है ना। तो ये जो टर्म्स होती हैं आपकी, कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती है? पेमेंट टर्म्स इसके अंदर आती है, प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। द थर्ड इज प्लेस। प्लेस में मैंने आप लोगों को बताया प्लेस में क्या क्या आएगा। देखो चैनल, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, मार्केट कवरेज, कितना आप मार्केटिंग कवरेज में क्या आ जाएगा आपका, तो कितना एरिया आप मार्केट का कवर कर रहे हैं, ठीक है। असॉर्टमेंट एंड द लोकेशन, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लोकेशन आ जाएगी आपकी उसकी प्रोडक्ट की, इन्वेंट्री आप लोग कहाँ कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या क्या आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ठीक है। तो इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्ट में वो सब चीजें आ जाएगी। द लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन में आपका, मैंने आप लोगों को अभी बताया सेल प्रमोशन, आप अपने सेलिंग एजेंट को बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं उसकी सैलरी से ऊपर, कितनी यूनिट सेल करने पे आपको इतने परसेंट का कमीशन मिल जाएगा सेल पे, ठीक है। तो आपका सेल प्रमोशन के अंदर आएगा। एडवर्टाइजिंग में आपका प्रोडक्ट के
एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे, ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, या फिर आप टीवी पे, ठीक है, कैसे एडवर्टाइजिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक रिलेशन, अगर आपकी पब्लिक रिलेशन अच्छी है, आपकी कंपनी की पब्लिक रिलेशन अच्छी है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे दैट इज टू इजी फॉर यू टू रीच अ पर्टिकुलर पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिमांड मार्केट, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केट में आप लोग बिना एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। फोर पीस है बेटा मार्केटिंग मिक्स के, मार्केटिंग मिक्स इन्हीं से बनता है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, किसी को तब भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए आगे इसमें डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट इज प्राइस, इट रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज गुड फॉर अ प्रोडक्ट। क्या वैल्यू है, क्या है ये प्राइस, वो वैल्यू जिस जो किसी प्रोडक्ट की रखी जाती है। इट डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेगमेंट टारगेटेड, एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे, सप्लाई डिमांड एंड अ होस्ट ऑफ अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर्स। तो देखिए आपका प्राइस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, एटलीस्ट वो तो आप बियर करेंगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेगमेंट टारगेटेड, ठीक है, सेगमेंट टारगेटेड की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका एबिलिटी ऑफ मार्केट टू पे, ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि उस मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट का इतना प्राइस मिल जाएगा। आप देखिए अलग अलग प्राइस मिलते हैं, है ना। अगर मैं मेरिट की बात करूँ, जो चीज आप सेंट्रल मार्केट या आप लेंगे मतलब एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे ले लेंगे, वो आपको लाल कुर्ती या बेगमपुर पे उस कॉस्ट पे मिलेगी, 100% में लिख के देते, उसके कम उससे कम पे ही मिलेगी ना। अगर सेम प्रोडक्ट है आपका और यहाँ से आप परचेज कर रहे हैं अलग कॉस्ट पे, तो वहां जाकर आपको क्या सेम कॉस्ट मिलेगी, कम मिलेगी, है ना। तो बेटा ऐसा भी होता है कि मार्केट की कितनी एबिलिटी है पे करने की, ठीक है, बेगमपुर जाए आप लाल कुर्ती की तरफ जाए, आपको पता है बार्गेनिंग होनी ही होनी है, है ना। प्राइस टूटना ही टूटना है, चाहे वो थोड़ा टूटे चाहे ज्यादा, ठीक है। तो प्लेस पे भी उस पे मार्केट प्लेस पे भी डिपेंड करती है, और सप्लाई और डिमांड का भी होता है ना, प्राइस पे डिमांड का इनवर्स इफेक्ट होता है, सप्लाई का आपका एडजेक्टिव वो होता है, मतलब इक्वल इफेक्ट होता है ना, प्रोपोर्शन इफेक्ट होता है। तो डिमांड और सप्लाई का भी और जो भी अदर फैक्टर्स हैं इंटरनेट करेंट, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, प्राइस को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीजों से कितना प्राइस बनाया जाता है। देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत सारी है, ईच टाइप इन विद एंड ओवरऑल बिजनेस प्लान। और वो सब क्या है, किससे बन रहे हैं, आपके ओवरऑल बिजनेस प्लान से टाइड अप है, ठीक है। प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी यूज और क्वालिटी या फिर आप कह सकते हैं यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी क्या होती है, इमेज, आपके प्रोडक्ट की इमेज एनहांस करने का काम भी किससे किया जा सकता है, प्राइस से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड। प्रोडक्ट क्या है, जो आइटम एक्चुअल में बेचा जा रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और मार्केट में सेल कर रही है क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क ऑन द अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स वुड नॉट डू एनी गुड, ठीक है। अगर प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे आप लोगों ने मिनिमम लेवल लगा दिया, तो आप चाहे प्राइस को सही कर ले, ठीक है, चाहे प्रमोशन को सही कर ले, चाहे फिर आपको प्रमोशन को सही कर ले, चाहे फिर आप प्रेस को सही कर ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द प्रोडक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द क्वालिटी यू हैव टू मेंटेन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इज प्लेस। इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल, क्या है ये, जहां आपको सेल करनी है,
We are all done for today. Thank you.